हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो क्या है साक्ष्य स्रोत, इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। आखिरी स्रोत के बारे में हमें बात करनी थी, वो है हमारा क्या क्या क्या, अरे भैया विदेशी शासन। विदेशी स्रोत जो हो सकते हैं वो विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए हो सकते हैं, या जो घूमने फिरने निकल गया हो उस व्यक्ति ने अपना पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा हो। तो वो सारी चीजों की जानकारी के द्वारा भी हमें इतिहास की जानकारी बहुत अच्छे रूप से मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं पीएससी यूपीएससी में कि भाई आखिर ये पर्टिकुलर विदेशी स्रोत किस व्यक्ति विशेष का है या क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये, और बाकी जानकारों के लिए तो इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती कि हमें पता तो चले कि हम, अगर आप रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, आप बुक पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पता चले कि यार प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए कौन कौन सी बुक हो सकती है जो इंपॉर्टेंट है। तो आप सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देख लेते विदेशी लेखक और जो यात्री रहे हैं विदेशी घूमने फिरने आए हुए, उन लोगों के द्वारा जो विवरण मिला है उनसे हमें क्या इतिहास की जानकारी मिल सकती है प्राचीन भारतीय इतिहास की। चलिए देख लेते हैं क्या है भाई विदेशी लेखक और यात्री, जो लिखित साहित्य भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा विवरण मिल जाता है। कैसे पूरा विवरण मिल जाता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, क्योंकि यार हम भाई कितने ही आलसी हो, भारतीय लोग काम ढंग से करें ना करें, विदेशी लोगों का ऐसा है, विदेशी क्या, हम भी कहीं जाएंगे तो हम प्रॉपर टाइम पीरियड के साथ ही काम करते हैं ना कि यार 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 ये टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे, ये और वो। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और यहाँ विदेशी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते थे। धीरे धीरे हम भी समझने लगे और हम भी प्रॉपर तिथि क्रम के साथ भी अपना इतिहास लिखने लगे। शुरुआती जगहों पे हमें प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं मिलती हैं, वैदिक काल के समय भी मिलती थी। भाई आर्यंस भी इस मामले में बहुत सही थे क्योंकि उन्होंने तिथि क्रम का भी वर्णन किया हुआ है। अब फिर बीच में हम थोड़े से लुचपुच टाइप के हो गए, आलसी टाइप के हो गए कि हमें डायरेक्ट प्रॉपर तिथि क्रम नहीं मिला, लेकिन हाँ विदेशी लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ। क्यों? तो इसमें पूरा विवरण मिल जाता है तिथि क्रम के सहित। साथ ही साथ भारत के संबंध में अब ईरान, यूनान, रोमन, चीनी, तिब्बत, अरब और मुस्लिम जितने भी यात्री रहे हैं और लेखक रहे हैं उनका विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यार भैया, ये नाम याद रखने की रटने की जरूरत है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि आप भारत की स्थिति अगर देखते हो और बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको रटने की कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। देखो इतिहास पढ़ो या फिर भूगोल पढ़ो, भारत की स्थिति आपको पता है और आसपास की स्थिति पता है। तो ये भारत उस समय का था, यहाँ ये चाइना पड़ जाएगा आपका, है ना। तो चाइना के जो लेखक रहेंगे वो चाइनीज लेखक रहेंगे क्योंकि वो भी आएंगे भारत। कब आएंगे? वो बौद्ध धर्म के विकास के बाद आ जाएंगे। इसके अलावा इधर तिब्बत पड़ता है, ये वाला जो इलाका है, सो तिब्बत वाला इलाका है, सो तिब्बत के लोग भी बिल्कुल जुड़े हुए थे, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा आज भी चलता है वहाँ, तो वो लोग भी यहाँ आएंगे। तो यहाँ से तो दो ही लोग दिख रहे हैं आपको, चाइनीज और तिब्बत लोग। यहाँ ऊपर कहीं नहीं, ये पाकिस्तान तब तक भारत में ही था। यहाँ आप चले जाओगे तो अफगानिस्तान, फिर ईरान और इराक, सो ईरानी इराकी लोग। और आगे जाओगे तो इधर अरब प्रदेश पड़ जाएगा पूरा। अरब प्रदेश के उस साइड आप जाओगे तो यूनान पड़ जाता है, ठीक है। सो यूनानी लोग आएंगे भाई, सिकंदर या उससे पहले डेरियस, सारे के सारे, तो सभी लोग आएंगे इंडिया साइड ही। तो वहां से वो आएंगे, उनके साथ घूमने फिरने के लिए भी लोग भगाएंगे, सो वो सारे लोग ही तो लाएंगे। तो ईरानी हो गए, ईरानी के बाद यहाँ पे अरब लोग हो गए, ठीक है, यवन के लोग हो गए, यही तो है ना। और कितने चाहिए? यहाँ समुद्र मुद्र वाले कोई नहीं आते, है ही नहीं वहां पे कुछ, ठीक है, समझ गए। तो चलिए इसके बाद बात करें तो चाहे वो यूनानी हो, ईरानी हो, रोमन मतलब रोम के आसपास वाले लोग, वो यूनानियों के साथ ही आते थे या उसके आस पड़ोस के समय। चीनी, तिब्बती, अरब और मुस्लिम यात्री, यही सब आए हैं लेखकों। इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या किया है, वर्णन हमारे बारे में किया हुआ है। तो देख ले यूनानी लेखकों की बात करें, यूनानी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष है हेरोडोटस। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इतिहास के पितामह के रूप में ये जाने जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है हेरोडोटस। क्यों? 424 ईसा पूर्व, 424 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व, उल्टा लिखा है, 32 से 24 ऐसा होना चाहिए था। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका मतलब, चूंकि यूनानी व्यक्ति हैं तो हिस्ट्री को
हिस्टोरी का ही लिखा जाता है वहाँ पे। सो हिस्टोरी का मतलब हिस्ट्री की ही पूरी संपूर्ण विस्तृत श्रृंखला को इन्होंने बनाया, बहुत अच्छे से इतिहास लेखन का कार्य किया हुआ है, विस्तृत तिथि क्रम के साथ प्रॉपर, मतलब जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं ना एक क्रमबद्ध, वो किनने किया, इन्होंने किया और बहुत अच्छे तरीके से। तो यूरोपीय लोगों ने इनको ही, क्योंकि इनने ही शुरुआत करी इतिहास के लेखन की, सो इनको पिता बोल दिया जाता है इतिहास का। हम लोग नहीं मानते, बात अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पूछ लिया जाता है और इनको ही माना जाता है, तो आपको इनको ही टिक करना है, ठीक है। इनके तीसरे, चौथे और सातवें खंड में किसके, ये इस हिस्टोरिका के, प्राचीन भारत के उत्तरापथ और हकमी साम्राज्य के। देखो यार मैं आपको बता दूं भैया, उत्तरापथ मतलब व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, रेशम मार्ग आपने नाम सुना होगा, सो वो पूरा का पूरा उत्तर वाला जो पोर्शन था जो व्यापार के लिए जाता था उत्तरापथ, उसके आस पड़ोस के जो नए नए नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, उसके आसपास जो साम्राज्य विस्तारित थे, पूरी जानकारी आपको भारतीय प्राचीन इतिहास की यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है, ठीक है। राजनीतिक आर्थिक संबंधों का यहाँ पे कैसे क्या अभिव्यक्त हुआ है वो लिखा हुआ है, सिकंदर से पहले, जी सिकंदर से पहले ही है, ऑब्वियस ही बात है, सिकंदर तो 324-26, ठीक है। तो सिकंदर से पहले आने वाले अन्य लेखकों में टेसियस भी था, कौन था, टेसियस था, जिसने भारत की तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं, कौन, टेसियस, कई जगहों पर टैथियस भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, दोनों चलेगा, टेसियस टैथियस। चलिए इसके बाद हम बात करें तो सिकंदर के काल भाई शुरुआत तो वहीं से हो गई, सबसे पहले कहां से हुई, हिस्टोरी का, हेरोडोटस, टैथियस या टेसियस, दोनों, फिर सिकंदर आ गए, तो सिकंदर के समय अरिस्टोकलस निरियाकस भैया ये व्यक्ति विशेष जो है ये लेखक के साथ साथ सेनापति भी हुआ करते थे, इनके जल सेना के अधिकारी थे, ठीक है। चारस ओने सीक्रेटस, अब नाम वैसे यूरोपीय वाले नाम है, ओने सीक्रेटस और यूमेनिस, ये सभी लोग भाई इनके समय, तो ये मान लो कि चलो ठीक है इनके तो नाम आप सब लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर इनके जाने के बाद सिकंदर का ये सेनापति था, एक महान मतलब एक प्रधान सेनापति एक और था, एक एंटियोकस भी हुआ करता था, एक थे आपने नाम सुना होगा सेल्यूकस का, बहुत अच्छे से सेल्यूकस है ना। सो सेल्यूकस फिर जब सिकंदर एक्सपायर हो जाते हैं, शादी ब्याह हुआ नहीं था और बच्चे अच्छे थे नहीं, तो उत्तराधिकारी कोई नहीं था, फिर जैसे हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में गौरी का भी कोई शासक था नहीं, मतलब उत्तराधिकारी, तो उनके गुलामों को मिल जाता है क्या मिल जाता है शासन, वैसे यहाँ भी यही चल रहा है, ये गुलाम नहीं है, देखो गुलाम उनको बोल रहे हैं लेकिन वो भी सेनापति हुआ करते थे, ये भी भैया इनके सेनापति थे तो वो भी आपस में लड़ झगड़ के क्या करते हैं पूरा शासन ले लेते हैं, जिसमें जीत किसकी होती है सेल्यूकस की, तो निरियाकस एंटियोकस सबको मार देता है ये, और बाद में पूरे सीरिया के आसपास वाले क्षेत्र पे कब्जा कौन कर लेता है, सेल्यूकस, ठीक है। निकेटस तो उपाधि थी उसकी, ठीक है। तो सेल्यूकस का एक राजदूत था, सेल्यूकस बाद में हार जाता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, भैया वही तो चाणक्य वाला पूरा केस, अभी करेंगे डिस्कस जब हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज। तो सेल्यूकस का एक राजदूत हुआ करता था जिसका क्या नाम है बताओ जरा, किसी को याद है, नहीं है याद, चलो मैं बता देता हूँ, सेल्यूकस का जो है राजदूत, उसने एक बुक लिखी हुई है, उस बुक का नाम क्या है, इंडिका, क्या नाम है, इंडिका, और ये बुक का नाम है, इसके जो रचयिता है उनका नाम है मेगास्थनीज, क्या नाम है, मेगास्थनीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति विशेष है इस समय, चाणक्य भी थे, मेगास्थनीज भी थे, और इस व्यक्ति ने, देखो चाणक्य ने तो पूरा राजनीतिक वर्णन किया अपने अर्थशास्त्र में, लेकिन मौर्य काल का, चंद्रगुप्त के समय का सारा सामाजिक वर्णन जो मिला है, समाज का वर्णन, वो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये इतिहास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर मौर्य काल के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अरिस्टोकुलस मतलब ये व्यक्ति, इनकी हिस्ट्री ऑफ द वॉर बुक का नाम है, हिस्ट्री ऑफ द वॉर और ओनेसिक्रेटस ये व्यक्ति देख रहे हैं, इनकी सिकंदर की जीवनी, ये बहुत ही प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ है, साथ ही साथ सिकंदर के परवर्ती लेखकों में, परवर्ती मतलब ये पूर्ववर्ती यानी ये पहले वाले थे, अब परवर्ती यानी उसके बाद वाले, तो सिकंदर के बाद वाले जो लेखक हैं उसमें सेल्यूकस निकेटर हमने बात कर ली, राजा बना, उसका राजदूत क्या नाम है उसका, मेगास्थनीज, ये लिखा हुआ है मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है, जीत गए थे तो वही चंद्रगुप्त मौर्य ने राजदूत मंगाया था, इनकी बेटी से शादी भी कर लेते हैं, है ना, सेल्यूकस की बेटी हेलेना नाम रहता है, ठीक है, या फिर
हेलेना जो है उसको बात करें तो पहली ऐसी महिला है जिसने साड़ी का प्रचलन भारत में चालू करवाया, क्योंकि ये यूनान में तो साड़ी वाला प्रचलन चलता ही था, पुरुष लोग भी उसी प्रकार का परिधान पहनते थे, है ना। सो उन्होंने महिलाओं के लिए साड़ी का प्रचलन चालू करवाया, किसने? हेलेना। कौन थी ये? सेल्यूकस की बेटी थी और चंद्रगुप्त की पत्नी थी। चले, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरवाजे में पाटलिपुत्र आया था, और पाटलिपुत्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया, एक एक जगह बहुत अच्छे से, ठीक है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी हुई है, जिसमें पाटलिपुत्र नगर का, उसके प्रशासनिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का बहुत अच्छे से उल्लेख मिल जाता है। कहां पे? आपकी मेगस्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट बात करेंगे तो यूनानी और रोमन लेखक जो बाकी हैं परवर्ती, उनमें निम्नलिखित लेखक हैं कौन से? एक तो डायमेकस। डायमेकस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों? क्यों? क्योंकि आप देखोगे इनके बेटे, चंद्रगुप्त के बेटे को, उसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार डायमेकस, डायमेकस ने बहुत अच्छे से वकान किया हुआ है कि भैया ये व्यक्ति ने सूखे मेवे, अंजीर, शराब वगैरह मंगवाई थी। कहाँ से? कहाँ से मंगवाई थी? ईरान से, ठीक है। टिशनी, डायोडोरस, प्लूटार्क। प्लूटार्क तो बहुत अच्छे, जस्टिन। जस्टिन की तो हर जगह आपको इतिहास में सारी चीजें मिलेंगी। डायोनीसियस, पॉलीबियस, स्ट्रैबो। टॉलेमी ने तो भैया पूरी समुद्र की यात्रा करी थी, तो उन्होंने सारी चीजें बताई हुई थी। एरियन, कार्टियस, सीकुलस। तो ये सारे नाम यूनानी लेखक ही हैं, सारे रोमन भी हैं इसमें कुछ कुछ। तो इन सभी लोगों ने क्या किया हुआ है, बहुत अच्छे से इतिहास के बारे में बताया हुआ। प्लनी, प्लनी ये लिखा हुआ है ना, कहाँ गई है प्लनी? चलो दिख रहा, प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री। ये टॉलेमी का जो भूगोल है, टॉलेमी का जो पूरा भूगोल है, ज्योग्राफी का, इंडिकोप्लस का, क्रिश्चियन ऑफ द यूनिवर्स। इंडिकोप्लस, ठीक है, इनका क्या है? क्रिश्चियन ऑफ द यूनिवर्स में भारत के भौगोलिक विस्तार के साथ साथ सारा वर्णन मिल जाता है आपको, सांस्कृतिक इतिहास का और उस समय का राजनीतिक क्या इतिहास था, वो सारी जानकारी आपको यहाँ यूनानी और जो रोमन लेखक है उनकी सारी बुक्स में या फिर उनकी लेखों में, साहित्य में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यूनानी रोमन लेखक के बाद, हम बात करेंगे चीनी लेखकों की। तो चीनी लेखकों की अगर बात करें तो चार ही बहुत प्रमुख लेखक यहाँ आए हुए हैं भारत में। देखो चीनी जो लेखक है, पहले चीन से हमारा ज्यादा संबंध नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे रेशम मार्ग के चलते हुए, और फिर जब चीनी जाति, जैसे कुषाण को हम बोलने वाले हैं, यूची जनजाति थी, चाइना की ही जनजाति थी, उपजाति थी यूची की, कुषाण, तो वो लोग जब आना चालू हुए तो वो चाइना के साथ कनेक्शन भी हमारा धीरे धीरे जुड़ जाता है सारी चीज़ें, तो वो फिर आना चालू हो जाते, क्योंकि तब तक बौद्ध धर्म का प्रचार भी वहाँ चाइना में हो चुका था और बहुत विस्तृत पैमाने पर हो गया था। तो बहुत सारे लोग, अब चूंकि पूरा का पूरा बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारी जगह हैं इंडिया में ही पड़ती हैं, सो सभी लोग घूमने के हिसाब से, दर्शन करने के हिसाब से भी आते थे और पूरा भारत भ्रमण करते थे। तो कुछ चार लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, और चार यात्री ही हैं बेसिकली, इनको बोल सकते हैं, और जिनके बारे में पूछा भी जाता है, ठीक है। सो चीनी यात्री, और इन्होंने अपने वृत्तांत भी लिखे हुए हैं, यात्रा के वृत्तांत, तो वो पूरी जानकारी है। सबसे पहले जो व्यक्ति विशेष आता है वो है कौन? आपका फाहेयान, सीयूकी, ठीक है। हुएनसांग, संयुगन और इत्सी, तो ये सारे लोग, ये हुएनसांग जो है ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। फाहेयान जो है, फाहेयान आए थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त के दरबार, ठीक है। संयुगन 500 के आसपास रहे हैं, और ये गुप्त साम्राज्य जब खत्म हो रहा था तब की बात चल रही थी। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में बिल्कुल पूर्व मध्यकाल के समय भारत आया हुआ है। फाहेयान ने 15 वर्षों तक, फाहेयान 15 वर्षों तक भारत में रहे हैं। चीन जाकर उनने द ट्रेवल्स ऑफ फाहेयान बुक लिखी हुई है ना। इस बुक में, ट्रेवल्स ऑफ फाहेयान में, गुप्तकालीन पूरे इतिहास की जानकारी इन्होंने दी हुई, किसने? फाहेयान। इसके बाद अगर हम बात करें, हुएनसांग ने बौद्ध ग्रंथों पूरे केंद्रों का, पूरे बौद्ध जो पूरे शुरुआत से, मतलब नालंदा के, नालंदा तो बहुत दूर बोल दिया, पाटलिपुत्र से स्टार्ट करके, मतलब पूरा पाकिस्तान से लेके पूरा इंडिया तक का सारा घूम के फिर चले जाते हैं। तो 629 में ये निकलते हैं ऐसा बोलते हैं, 629 में चाइना से निकलते हैं, 630 में भारत पहुंचते हैं साल भर, और फिर यहाँ पे घूमते घामते फिर वापस जाते हैं। तो ऐसा पूरा रहा है, भ्रमण किया। पाश्चात्य संस्कार के जो लेख हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेख इन्होंने ये लिखा हुआ है, पाश्चात्य संस्कार, मतलब पश्चिमी देशों के। अब उनके लिए तो पश्चिम ये भी है, भारत भी पश्चिमी पड़ जाता है,
है ना, हमारे लिए पश्चिम और आगे का पश्चिम बढ़ जाता है। तो वो रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नामक बुक लिखी हुई है, जिसमें हर्षवर्धन के समय पूरी जीवनी भी बताई है, उनके तत्कालीन सामाजिक वर्णन भी बताया। हर्षवर्धन हार जाते हैं पल्लव नरेश, फिर भैया नीचे चले जाते हैं, ये राजनीतिक आर्थिक धार्मिक सारी व्यवस्थाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। हुईली नामक एक और चीनी लेखक है, युवान च्यान की जीवनी, द लाइफ ऑफ हुआन च्यान लिखी हुई है। हुआन च्यान मतलब बेसिकली हुएनजांग की बात चल रही है, हुएनजांग लिखी हुई है, जिसमें 7वीं शताब्दी का इतिहास भी वर्णित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आखिरी बात करेंगे, मुझे लगता है तिब्बती लेखक, तिब्बत भी तो बगल में ही पड़ता है। सो तिब्बत में एक लामा है, लामा मतलब जो धर्म गुरु होते हैं, बौद्ध धर्म गुरु लामा बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये तारानाथ। हमेशा आप अगर कभी भी देखोगे तो तिब्बती लेखकों में अगर नाम मिलेगा तो तारानाथ का नाम आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण तिब्बती लेखक है, जिसने बौद्ध धर्म के इतिहास की पूरी जानकारी लिखी हुई है और पूर्व मध्यकालीन इतिहास का बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। तो तारानाथ का नाम हमेशा याद रखना तिब्बती लेखकों में, पूरा प्राचीन इतिहास के बारे में, पूर्व मध्यकालीन इतिहास की बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करी हुई। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है अब कुछ अरबी और मुस्लिम लेखक भी हैं। अरबी मुस्लिम लेखक जो हैं ये पूर्व मध्यकाल के लेखक, मतलब यहाँ पे प्राचीन खत्म ही होने वाला था और मध्यकालीन स्टार्ट होने वाला था। सो कुछ लेखक आए भी हैं घूमने के हिसाब से, कुछ व्यापार करने के हिसाब से, घूमने के हिसाब से, तब तक व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था तो आते जाते रहते थे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग का पीरियड है जब ये लोग आए। तो देख लेते हैं अरबी मुस्लिम लेखकों में सबसे पहले अलबरूनी तहकीक हिंद गजनबी के साथ एक्चुअली ये आए थे भारत घूमने के लिए, और इन्होंने लिखी है तहकीक हिंद ये बुक, इसमें पूरी की पूरी 11वीं शताब्दी के आसपास के भारत का वर्णन है, पूर्व मध्यकाल आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख अरबी मुस्लिम लेखकों की ऐतिहासिक कृतियां निम्नलिखित हैं, अल बिलादुरी ये लेखक हैं जिन्होंने किताब फुतू अल दुल्दान लिखी हुई है। सुलेमान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अरबी लेखक माने जाते हैं, याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। तो सुलेमान ने सिलसिलातुल तवारीख, सिलसिला उल है बेसिकली, तो लिख गया ये सिलसिला उल तवारीख, इनने बुक लिखी हुई है। हसन निजामी तो हम पढ़ेंगे ही जब हम मध्यकालीन पढ़ेंगे, तो हसन निजामी ताजुल मासिर ये बुक लिखी हुई है। मीर खोंद ने रोजा तुरशफा फरिश्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, वैसे फरिश्ता लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, फरिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट लेखक माने जाएंगे, तारीख फरिश्ता। साथ ही साथ मिनहाजुद्दीन ये इम्पॉर्टेंट है, तबकाते नासरी, नसीरुद्दीन के समय में ये आए हुए थे और इन्होंने ही बताया कि ऐसा सुल्तान जो टोपी सी के या कुरान की प्रतियां लिख के जीवन यापन करता था। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि ये सारे लेखक जो है मध्यकालीन संबंधित हैं, लेकिन हाँ कुछ इन्होंने इतिहास जो लिखा है प्राचीन समय से ही लिखा हुआ है, सो उसमें भी थोड़ा बहुत वर्णन पूर्व काल का प्राचीन इतिहास का मिल जाता है। ठीक है, सो वो मुझे लगता है ये इतना ही होगा, और इससे जो निष्कर्ष हमें निकलता है वो ये निकलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को बखूबी जानने के लिए साहित्यिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व और विदेशी लेखकों और यात्रियों की जो पुस्तकें हैं उनके जो विवरण हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सर्वोत्कृष्ट रही हैं। इन सभी स्रोतों का अपना अलग अलग महत्व, बिल्कुल महत्व होना भी चाहिए, अलग अलग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और एक तरफ साहित्यिक स्रोतों में सारे के सारे तिथि क्रमों का अभाव है, क्योंकि साहित्य के हिसाब से लिखे, उनने इतिहास के हिसाब से लिखे ही नहीं, तो तिथियों की जरूरत क्या है। ठीक है, तो उनकी भी गलती तो है नहीं कहीं से, तो साहित्यिक स्रोतों में क्या है, तिथियों का अभाव है। तो दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोतों में अपूर्ण जानकारी के स्रोत भी हैं भाई, इतिहास में बहुत सारे ऐसे स्रोत भी मिल गए हैं, ऐतिहासिक स्रोत जिनमें पूरी जानकारी नहीं हुई, अपूर्ण जानकारी हुई है। ठीक है, सो निष्कर्ष रूप में क्या है, समयावत्व रूप में इसका समन्वय ही भारतीय इतिहास को प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। भाई क्या है कि हमें समन्वय तो करना पड़ेगा ना, कुछ यहाँ से लेना, कुछ यहाँ से लेना, कुछ वहाँ से लेना, जो भी हमारे काम का है उससे हमारे काम की चीज़ निकाल के हमारा काम कर लेना।
सो यही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इतिहास इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इतिहास के स्रोतों की पूरी जानकारी दे दी है, हमने मानव इतिहासों पे बात कर ली है, सारे पुरापाषाण काल यानी पाषाण काल और धातु काल भी पढ़ लिया है, अब सभ्यताओं का विकास हो चुका है। तो नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, वहाँ सिंधु घाटी पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।